रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सतरंगी फर्स्ट चैनल। और मैं समीना तारिक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आजकल छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के हिसाब से बच्चे जो हैं सारा दिन घर होते हैं और उनकी फरमाइशें होती हैं हमें ये बना दें वो बना दें। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ मलाई बोटी डिनर रोल, ठीक है। और उनके लिए मैंने क्या कुछ लिया है, बहुत आसान है। आप भी अभी शुरू करें और आप बना लें, बहुत इजी बन जाते हैं और पता भी नहीं चलता, बस बातों बातों में बन जाते हैं। ये देखें, जिसके लिए मैंने लिया है ये 300 ग्राम चिकन है। इसको मैंने देखे छोटे छोटे काट लिए इस साइज़ में, बहुत छोटा छोटा धो के अच्छी तरह से। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा एक लहसुन एक चम्मच लिया है, इसको मैंने पेस्ट बना लिया है। और ये साथ में फ्रेश क्रीम है, और इसके साथ ये ऑलिव्स हैं, ये दही है, और ये साथ चॉप की हुई शिमला मिर्च है, ये प्याज है चॉप किए हुए, और साथ में ये डो है, सॉरी डो नहीं, ये चीज़ है चेडर चीज़ है। इसके साथ में मोज़रेला भी मिक्स करूँगी, और साथ में ये डो बना के मैंने उसी तरह किया है कि इसको बंद कर देती हूँ, सर्दियाँ हैं इस हिसाब से बहुत जल्दी ये राइस हो जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से। ये देखिए, मैंने पैन में ऑयल डाल दिया था और इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया। इसको थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन करना है क्योंकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, बहुत ही गोल्डन नहीं करना, तो बिल्कुल गोट ही बन जाए। और देखें इसको, मैं देखें जो है लहसुन वो गोल्डन गोल्डन हो ही गया, बिल्कुल ज़्यादा ही हो गया। और इसके अंदर मैंने ये चिकन डाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी, इसके अंदर फ्राई करूंगी ताकि इसका जो है कलर वो चेंज हो जाए, पिंक से आ जाए, पिंक से वाइट आ जाए सॉरी। क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने निजान के घर और ये मैं बना के उधर लेके जा रही हूँ, जो मेरे छोटे छोटे मुने मुने से मेरे बच्चे हैं, उधर अरूबा है, आयशा है, तहलीम है, फजल फातिमा है, और हरम है, और इसके साथ हुदा रानी है, और सबसे बड़ी मोना है, मेरे भाइयों की बेटियां हैं माशाल्लाह से। और आज मैं इनका तारुफ भी करवाऊँगी आपसे उधर जा के। तो ये मैं सारी तैयारी उनके लिए कर रही हूँ लेके जाने के लिए। इसके अंदर ये दही ऐड कर रही हूँ, और साथ ही मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूँगी दोनों चीज़ें, और स्पाइसेस डाल दूंगी सिर्फ काली मिर्च और नमक। अगर आप चाहते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना तो इसके अंदर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो आप डाल सकते हैं। और ये देखें, मैं हसबे जायका ये नमक और काली मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको स्पाइसी खाना है तो आप थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और मैं देखूँगी, मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं भी कर लूँगी। अब मैं इसको पकने के लिए रख लूँगी। चलें जी, ये देखें बिल्कुल चिकन जो है बहुत ज़बरदस्त गल चुका है, ये देखें बहुत मज़े का बना है। और अब मैंने ये ले लिया कद्दूकस ले लिया, मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है थोड़ी सी क्रश कर दूँगी। ये देखें, मैंने चीज़ जो है इसके अंदर क्रश डाल दिया, साथ ही मैंने प्याज डाल रही हूँ, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। और ये रही शिमला मिर्च, ये देखें ये बेचारी बच गई है, पता ही नहीं चला क्रश की है तो अंदर ही रह गया। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और अब डो से हम रोटी बनाएंगे। इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। ये देखें जी, हमने डो से एक बड़ा सा पेड़ा बनाया, मैं इसकी बड़ी सी रोटी बना रही हूँ। चलें
चलें जी, देखिए मैंने इसकी बड़ी सी रोटी बना ली है और एक मैंने ये गिलास ले लिया है सांचा के लिए, आप इसे बड़ा भी ले सकते हैं। चलें जी देखें, ये मैंने एक बनाई है लेकिन ये बहुत छोटा बना है इसलिए मैंने ये वाला एक मेरे घर में डिब्बा है मैंने ये ले लिया। अब मैं इसके साथ इस सबको बना रही हूँ। चलो जी देखें, ये सारे बन गए हैं। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े नहीं किए क्योंकि इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और इससे हमारे बिल्कुल एक जैसे बन जाते हैं। ये देखें बड़ी आसानी से ये उठ रहा है और अब हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये फिर से पेड़ा बनेगा और फिर से रोटी बनेगी और ये हमारे रोटियाँ बनती जाएंगी। देखें जी, मैंने इसके ऊपर ये चिकन डाल दिया है, थोड़ा सा इसको ऐसे करूँगी और अगर आपका ये जुड़ता नहीं तो आप इसको फिर ऐसे करें। स्टफिंग मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा है तो उतनी स्टफिंग करें ताकि खुलने ना पाए। और बिल्कुल इसको इस तरह खींच के इस तरह बंद कर देना। ये हमारा देखें, ये बहुत मिनी से ये हाइटी पर भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और अब मैं इसके ऊपर अंडा जो है वो एग वॉश करूँगी साथ ही, और इसके साथ एक साइड पे ये रखूँगी टमाटर और एक साइड पे रखूँगी शिमला मिर्च का पीस, और साथ में रखूँगी मैं ये ऑलिव्स, साथ में रखूँगी इसके ऊपर मैं ये चेडर चीज़ के पीसीज हैं। इस तरह देखें ये मैंने बना लिए और इस तरह मैं सारे रेडी करके ये देखें मैंने इसको ग्रीस कर लिया ऑयल से। और जी ये बेकिंग ट्रे है और मैं इसी तरह सारे रख लूँगी। ऐसे सारे चीज़ें चिकन मलाई बोटी रोल जो हैं पिज़्ज़ा वो रेडी हो गया। मैं इनको ओवन में रख रही हूँ पकने के लिए। इसको मैं तकरीबन 20 मिनट पर लगा दिया मैंने। चलिए जी देखें, हमने निकाल लिए हैं, अभी गरम गरम है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त कलर आया नीचे से भी, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके चिकन चीज़ी मलाई बोटी रोल, इसको हम पिज़्ज़ा रोल भी कह सकते हैं, आपके कैसे बने। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगली नई वीडियो में क्योंकि हमें बहुत जल्दी है। ये देखिए, मैंने 7 बच्चों के लिए एक केक रेडी किया है और दूसरा मैंने चॉकलेट केक बनाया है। अब हमें अब्दुल वहाब लेने आ गया तो हम जाने लगे हैं, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।